मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कस द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. टुडे वी आर स्टडी द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशंस एंड फॉर एग्जाम्पल्स. ठीक है, टू स्टार्ट द वीडियो. और आप लोग कोशिश करिए बच्चा कि एक बार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए. ठीक है, आज हम लोग देखते हैं बेटा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कब हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं किसको, ये चीज हम लोग समझेंगे. तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम चेंज इट्स पाथ. अब चेंज इट्स पाथ होने का सिचुएशन क्या होता है, वो कंडीशन हम लोग रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की केस में हम लोगों ने देख चुका है. ठीक है, आज जो हमें देखना है वो समझना है ध्यान से. देखिए कि रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. कहां से कहां जा रहा है बेटा, डेंसर टू रेयर मीडियम. इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये चीज हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा क्या होती है, बैंड्स होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. किस केस में, कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. जब रेयर मीडियम में जाएगा तो वहां पे लाइट्स नॉर्मल की तरफ बैंड्स होती है. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इज इंक्रीज. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तब क्या होगा बेटा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम आल्सो इंक्रीज. तब उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में आल्सो इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है. एंड अ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, फिर ध्यान समझिएगा कि एंड और सर्टेन, एक ऐसा एंगल लिया जाता है एंड अ सर्टेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री. जब क्या हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें एक ऐसा लेना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. और इस क्रिटिकल एंगल को मैंने आईसी से डिनोट किया था, जो क्या है आईसी. तो क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ गए आपने कि डेंसर मीडियम में एक ऐसा एंगल लेना है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो. जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एंगल. ठीक है, क्रिटिकल एंगल. इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. देखिए ये नॉर्मल है N1, N1, N2, N3, इस तरह से. ये जो मीडियम है बेटा रेयर है, ये रेयर मीडियम है, और ये जो है डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है. ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और सोर्स ऑफ लाइट को हम अलग अलग एंगल पे क्या किए हैं, इंसिडेंट कराए. तो देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हमने लाइट्स को थोड़ा बैंड किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट को जैसे इंसिडेंट कर रहे हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी बैंड हो रही है. थोड़ा एंगल को और इंसिडेंट कर दिया. देखिए एंगल I1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, आई से हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू आल्सो इंक्रीज हो रही है. क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि एंगल की एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डेंसर मीडियम इज इंक्रीज. जैसे ही एंगल को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एट अ सर्टेन एंगल. उसके आगे हम लोग देखते हैं
तो एक ऐसा और एंगल को इंक्रीज कर दिया तो एक ऐसा एंगल मिलता है जहां पे रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से जब मोर कर दिया, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल आपने कर दिया तो लाइट देखिए क्या हो रही है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है बेटा। जब हम लोग लेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के लिए तो वहां पे हो जाएगा क्या चीज, IC अपॉन 1 बाई म्यू, या फिर इसको साइन 90 इक्वल टू यहां पे हो गया साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया बेटा, तो साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई या फिर म्यू इज इक्वल टू कोसेक आपका आईसी हो गया यानी क्रिटिकल एंगल। ये हो गया हमारा फार्मूला। फिर दूसरी बात को ध्यान से देखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स, मतलब कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कर दिए, एक्सीड कर दिए, बढ़ा दिए, देन एंगल ऑफ लाइट रे कम बैक, एंगल ऑफ द ठीक है एक्सीड एंगल, देन लाइट रे कम बैक इनटू द सेम मीडियम, तब लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाती है, कम बैक हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंटरफेस, और उस इंटरफेस से लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्टकट लिखा जाता है भाई TIR, जिसको शॉर्टकट क्या लिखते हैं TIR। यहां पे देखिए आपको मिल रहा है क्या चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे मिल रहा है हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर ये बात है। अब देखिएगा ध्यान से कि कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इस बात को समझिएगा, तो ये होता है द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा बेटा जब रेज जो होनी चाहिए वो मूव करनी चाहिए, कैसे मूव करनी चाहिए, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर से जब डेंसर से रेयर में जाएगा तभी ये हमें फॉलो करने के लिए मिलेगा, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया रेयर से डेंसर में फ्लो कर दिया तो वहां पे देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आई की वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा आईसी से बड़ी होनी चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तक वो रहेगा 90 डिग्री तो वहां तक लाइट जो है उस जो हमारा इंटरमीडिएट फेस है उसी पे फॉलो करेगा। अब उससे ज्यादा जब एंगल करते हैं तब वहां पे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर। फिर देखिए डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड्स करता है, यानी किसके ऊपर, इसमें फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट का मतलब क्या है भाई, कि जो हमारा सनलाइट है उसमें डिफरेंट कलर्स हैं और हर एक डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है और सबके लिए क्या होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एज द लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें हर एक कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। फिर देखिए नेचर ऑफ द पेयर मीडियम। नेचर ऑफ द पेयर मीडियम का मतलब क्या है कि जो हम लोग ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का जो पेयर बना रहे हैं, ये हो सकता है कि एयर एंड ग्लास का हो, ग्लास का हो, या फिर ग्लास एंड वाटर का हो, ग्लास एंड वाटर का हो। तो ये जो है इसके ऊपर नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए जनरेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेजर विल बी क्रिटिकल एंगल। हमेशा क्रिटिकल एंगल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा होना चाहिए। क्लियर, लेजर मतलब छोटा है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है भाई, कि विद द टेम्परेचर इज राइज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज। जब क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मीडियम जो होता है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा डिक्रीज करता है। देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल इज इंक्रीज। तब उस समय क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए पहले क्या है, लूमिंग। लूमिंग का मतलब क्या होता है, लूमिंग का मतलब ये उन जगहों पे देखने के लिए मिलता है भाई कि एड ऑप्टिकली इंसुलेशन इल्यूजन इन अ कोल्ड कंट्रीज। ये हमें सिर्फ ठंडे कंट्रीज में देखने के लिए मिलेगा, जैसे आर्कटिक वगैरह में जहां पे बर्फ जमी होती है, तो बर्फ जमे होने की वजह से जब वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पे जो सीप होती है या समुद्र के अंदर सीप है, वो सीप हमको ठंडे होने की वजह से ये हमको उल्टी दिखाई पड़ती है, ऐसा फील होता है जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है भाई, कि एन ऑप्टिकल, ठीक है, एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन और डिजर्ट्स, ठीक है। डिजर्ट्स मतलब समझते ही हैं कि गर्म स्थान पे, यानी जहां पे रेगिस्तान वगैरह है वहां पे डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया में जो होता है आपको मिराज जो होता है उल्टा दिखाई पड़ता है। मतलब अगर किसी पेड़ को देखते हैं, एक पेड़ इस तरह से, ध्यान से समझिए, यहां पे एक पेड़ इस तरह से, एक पेड़ इस तरह से है, इस तरह आप यहां से इसको अगर देखेंगे तो ये पेड़ जो है आपको कुछ इस तरह से फील होगा, उल्टा फील होता है, उल्टा फील होता है, तो इसको ये इस तरह से बनता है तो उल्टा फील होगा। इस केस को हम लोग बोलते हैं मिराज। पेड़ कभी उल्टा नहीं हो सकता, जिसको हम लोग कहते हैं नजर का धोखा। ये नजर का धोखा होता है ड्यू टू ऑप्टिकल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर देखिए ब्रिलियंस, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस मतलब क्या होता है कि जो हीरे की चमक होती है, डायमंड के अंदर जो चमक उत्पन्न होती है, ब्रिलियंस मतलब डायमंड का चमकने की बात करते हैं, वो भी केस किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। देखिए ड्यू टू रिफ्लेक्टेड इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड स्पेक, ठीक है, स्पाइक्स। तो जो डायमंड है वो डायमंड चमकता है किसकी वजह से बेटा, वो भी चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि डायमंड के अंदर केस होती है कि डायमंड जो होती है उसके अंदर 6, 7, 8 फेस होती है, इस तरह से डायमंड की कटिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डायमंड की कटिंग इस तरह से करते हैं, जब डायमंड की कटिंग इस तरह से करेंगे, यहां से कोई लाइट गया तो यहां से ये बैंड होके टोटल लाइट इसी के अंदर क्या होगी भाई, फंस जाती है। जब टोटल लाइट इसके अंदर फंस जाती है तो यहां पे देखने को हमको मिलता है क्या चीज, यहां पे देखने के लिए मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की केस, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड जो होता है ब्राइट होता है, चमकता है। फिर देखिए
अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट है भाई, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा केबल है, जैसे कि कंप्यूटर का लाइन केबल होता है, प्रिंटर का केबल है, ये एक ऐसा केबल होता है जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से क्या करता है, यूज किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ऑप्टिकल फाइबर आ जाने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या बोले तो कंजक्शन कम हो गया, और किसी भी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में बहुत कम समय लगता है। ये कुछ ऐसा ही है जो कि किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करने वाला है बेटा। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेनी लॉन्ग हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास एंड क्वार्ट्ज। ये तो या तो ग्लास का बना होगा या तो क्वार्ट्ज फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है भाई? क्वार्ट्ज फाइबर का। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर, इसके मेन पार्ट्स होते हैं कोर एंड क्लैडिंग। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके अंदर कोर एंड क्लैडिंग होती है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे कोर है, ये जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट है, ये कोर है बेटा। और इसपे ये जो कोर बना होता है या तो ग्लास का होता है या तो ये क्या होता है, क्वार्ट्ज का होता है। ये क्वार्ट्ज का बना होता है और इसके ऊपर क्लैडिंग कर देते हैं। क्लैडिंग करने का मतलब है कि इसके लिए सुरक्षा कवच दे देते हैं जिससे कि ग्लास न टूटे, और यहां से आसानी से हम सिग्नल को फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आप तो कोई भी सिग्नल आपने भेजा तो इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए तुरंत क्या होता है कि सिग्नल जो होता है तुरंत ट्रांसफर हो जाता है विद इन सेकेंड, पता भी नहीं चलेगा और सिग्नल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा हमें कमेंट्स करके पूछ लेगा। ठीक है, ओके, चलिए।